हम चर्चा करेंगे हमारे साथ आईपीएस संजय माथुर हैं जॉइंट डायरेक्टर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ दीपक वर्मानी जी हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी आई4सी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर गृह मंत्रालय भारत सरकार बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ मिस्टर हिमांशु पांडे जी भी हैं कमांडेंट डीजीएम आई4सी गृह मंत्रालय भारत सरकार वेलकम सर और हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र सिंह भी हैं एसीपी आई फोर सी गृह मंत्रालय भारत सरकार वेरी वेलकम <laughs> और हमारे साथ यंग ऑडियंस भी हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं यू कैन गिव अ बिग हैंड टू योर सेल्व ऑल्सो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं uh, मिस्टर माथुर सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा लेमैन uh, की लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी क्या है हम साइबर हाइजीन की बात करते हैं Uh, हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं साइबर क्राइम की बात करते हैं थोड़ा सा बताइए विस्तार में कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन uh, को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ऑनलाइन सर्विसेज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है टू गिव ईज ऑफ कन्वीनियंस टू दी सर्विसेज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम टू इंप्रूव द इकोनॉमी सो उसके चलते और इंटरनेट का जो प्रसार हो रहा है हर जगह हर दूर दूर के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच रहा है और सभी लोग मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन सर्विसेज डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं तो इसके चलते जो साइबर सिक्योरिटी है साइबर अटैक्स हैं फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री इसके आ, बहुत ज्यादा खतरे बढ़ गए हैं और एक ये बहुत चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने बहुत बहुत सारी परियोजना परियोजनाओं का क्रियान्वित किया है उनमें से एक जो मुख्य है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जिसमें कि सिटीजन किसी भी कोने से देश के किसी भी कोने से साइबर क्राइम के बारे में आ, उस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकता है आ, और वो जो उसकी कंप्लेंट है संबंधित थाना और संबंधित जिला को फॉरवर्ड कर दी जाती है फॉर फर्दर इंक्वायरी और इसी तरीके से साइबर प्रशिक्षण केंद्र की एक स्थापना करी गई एनसीआर द्वारा जिसमें कि सभी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स हैं प्रोसिक्यूटर्स हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्योंकि सभी को फिजिकली प्रशिक्षण देना संभव नहीं है और साइबर क्राइम जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से हमें लोगों को प्रशिक्षण भी करना है उसको हैंडल करने के लिए तो ये साइटन पोर्टल एक बनाया गया है जिसपे कि सभी पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर साइबर एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कैन ट्रेन कैन गेट देमसेल्फ ट्रेन एट देयर ओन कन्वीनियंस फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर वर्किंग इट्स और अभी तक करीब 37000 के लगभग प्रशिक्षण पंजीकृत हो चुके और इसमें प्रशिक्षण के बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है तो करीब अठारह के करीब प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी प्राप्त करा है तो बहुत सारी परियोजना है जिसको कि गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन करा जा रहा है और आ, मिस्टर बिर आपके पास आओ, के, के बारे में आ, मिस्टर ने बताया आ, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाई होम मिनिस्ट्री इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी पिछले साढ़े तीन सालों में uh, कितना कारगर साबित हुआ है आई फोर सी जरा ये थोड़ा सा बताई थैंक यू जैसे कि आपने बताया कि uh, माननीय गृह मंत्री जी ने आई फोर सी गृह मंत्रालय को जनवरी दो हजार बीस में डेडिकेट किया और इसमें Uh, माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम शुरुआत की जैसे कि माथुर साहब ने बताया इसका गृह मंत्रालय के अंदर एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसको साइबर क्राइम डॉट जी ओ वी डॉट इन के नाम से हम लोग सब जगह इसका प्रचार करते हैं इसमें जैसा कि साहब ने बताया बहुत सारे सारे थाने मोस्टली इसमें कनेक्टेड हैं और कोई भी सिटीजन कहीं भी बैठ के किसी भी प्रकार का अगर साइबर क्राइम होता है किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो या दूसरे तरह का साइबर क्राइम हो इसमें घर बैठे बैठे इसमें कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं क्योंकि सारे थाने पूरे भारत के इसमें तो कनेक्टेड है उसका डिटेल विवरण पूरा दिया जाता है कि कहाँ पे क्राइम हुआ साइबर क्राइम हुआ क्या उसके डिटेल्स हैं क्या इसको ऐसा एसएमएस आया जो गलत एसएमएस था क्या उसको कोई गलत ईमेल आई तो पूरा डिटेल देने के बाद वो पूरी की पूरी कंप्लेंट रियल टाइम बेसिस पे इसकी सारी खूबी है रियल टाइम बेसिस तो रियल टाइम बेसिस पे ये कंप्लेंट उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को चली जाती है और कंसर्न पुलिस स्टेशन उसका फिर कॉग्नेस लेते हैं तो ये बहुत बड़ी पहल है इसके बाद गृह मंत्रालय में माननीय गृह मंत्री जी के आ, निर्देश अनुसार उनके लीडरशिप में आ, एक और अह हेल्पलाइन नंबर का इसको स्टार्ट किया गया जिसका नंबर है वन नाइन थ्री जीरो जी उन्नीस सौ तीस उन्नीस सौ तीस हेल्पलाइन नंबर हम लोग पूरे राज्यों और यूटीज यूनियन टेरिटरीज में इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें लगभग ढाई सौ से ज्यादा बैंक्स ई वॉलेट्स यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स ई कॉमर्स कंपनीज इंटीग्रेटेड हैं इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो हम कहते हैं कि आप बैंक पे ना जाएं आप ई e वॉलेट पे ना जाएं उनके नंबर ढूंढने में आपको हो सकता है समय लग जाए आप वन नाइन थ्री जीरो पर कॉल करें जी जो वन नाइन थ्री जीरो हेल्पलाइन नंबर है ये सभी स्टेट्स में कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज इसको मैन करती हैं इसको चलाती हैं और जब इस कंप्लेंट एक आती है तो हम बहुत बेसिक डिटेल्स पूछते हैं क्योंकि समय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा साइबर फ्रॉस्टर जो है वो पैसा जल्दी से निकालने की कोशिश करता है

जो आ, किसी का पैसा अगर निकल गया है तो अगर वो कंप्लेनेंट हमें जितनी जल्दी कॉल करता है उसका हम पैसा रोकने की कोशिश करते हैं मैं आपको आ, ये बताना चाहूंगा कि सभी आ, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से मिलके गृह मंत्रालय के, आ, के आ, इस वन नाइन थ्री जो हेल्पलाइन नंबर से लगभग हम आज तक करीब 500 करोड़ रुपए लोगों का बचा चुके हैं और जिसमें लगभग दो नंबर जिसमें लगभग टू पॉइंट फोर लैख लगभग ढाई लाख अप्रोक्सीमेटली लोगों को इससे फायदा हुआ है और यह पैसा फिर एक प्रोसेस के द्वारा उनको वापस किया जाता है राइट right. चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आ, मिस्टर विरमानी ने कि रिपोर्ट करना आ, साइबर क्राइम को काफी जरूरी हो जाता है मिस्टर हिमांशु पांडे भी हमारे साथ है आ, मिस्टर पांडे आ, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड में हम तेजी से बढ़ रहे हैं आ, साइबर थ्रेड्स केसेस के केसे भी ज्यादा आ रहे होंगे अगर हम बात करें कि रोज कितने साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो जाते देखिए जब आ, ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था, था अगस्त थान में और फिर माननीय गृह मंत्री जी ने इसको टू थाउजेंड में दस जनवरी को नेशन को डेडिकेट किया था उस समय ऑन एन अराउंड फोर के आसपास कंप्लेन डेली रिपोर्ट होती थी उसमें लेकिन ओवर द दस यू विल विलप्राइज टू नोट दैट अभी जो स्टेस्टिक्स है अराउंड मोर देन फोर थाउजेंड कम्पलेन डेली रिपोर्ट हो रही हैं तो इट कैन यू कैन इमेजिन एक तो लोग अवेयर भी हो गए हैं कि एक ऐसा पोर्टल आ गया है जहाँ हमको एक ऑनलाइन सुविधा मिली है जहाँ हम ईजिली कंप्लेट कर सकते हैं दूसरा साइबर अपराध भी एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं फॉर 2019 में जहाँ 400 सौ कंप्लेन डेली आती थी आज की डेट में 4000 से ज़्यादा कंप्लेंट डेली रिपोर्ट हो रही है तो ये एक चिंता का विषय है जिसको संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री के विजन के थ्रू

अवेयरनेस अगर अवेयर रहेंगे तो अवेयरनेस के बाद आ, साइबर अपराध से लड़, लड़ने की क्षमता लोगों में ज्यादा ज्यादा रहेगी hmm. तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्कीम तो जिसमें हम लोग काफी हद तक का, कामयाब रहे हैं और आ, इस, इसमें हमको काफी सफलता मिली है hmm. इसी तरह थ्रेट एनालिटिकल यूनिट जो आई फोर सी का एक पार्ट है उसमें करीब साढ़े पाँच सौ के आसपास मोबाइल एप्स जो डेटा हार्वेस्ट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज में डेटा लेके जा रहे थे जहां से ऐसे हैं सबसे ज्यादा साइबर थ्रेट्स आते हैं और अवेयरनेस जैसा आ, मिस्टर हिमांशु पांडे ने बोला अवेयरनेस बहुत जरूरी है ये थोड़ा सा बताइए कि लोगों में अभी तक कितनी अवेयरनेस है फोन करते हैं या सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उसमें लोगों में कितनी अवेयरनेस है कितना लोग जागरूक है कि वो साइबर क्राइम उनके साथ होता है तो रिपोर्ट करते जैसे सर ने बताया है कि एन पोर्टल पर कंप्लेंट्स आती है वैसे ही कंप्लेंट्स का एक अलग साइबर दो सो सोशल मीडिया के थ्रू भी आती है जो मेजर हॉटस्पॉट्स है कंट्री में जहाँ से साइबर क्राइम uh, किया जाता है वो है हमारा uh, मेवात एरिया है जैसे नो एरिया डिस्ट्रिक्ट लगता है हमारा हरियाणा में एक अलवर और भरतपुर राजस्थान में लगता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया है यूपी में लगता है एक हॉटस्पॉट हमारा है झारखंड के अंदर जिसमें जामताड़ा डोंका गिडी गया बिहार कुछ वेस्ट बंगाल का एरिया है ये एक मेजर हॉटस्पॉट है जहाँ से साइबर क्राइम ऑरिजिनेट होता है मतलब जहाँ से साइबर क्राइम बैठ के लोग करते हैं दोनों एरियाज में हॉटस्पॉट मेजर हॉटस्पॉट्स हैं हमारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं यहाँ से बैठ के और मैं इस वे में ऑपरेट करते हैं पीछे एस पी नो है हमारे हरियाणा से उन्होंने एक प्रधानमंत्री के अनुसार ए, चिंतन शिविर में उन्होंने कहा था कि हॉटस्पॉट्स को हमें जल्दी खत्म करना है तो हम लोगों ने एक ए, ए, ड्राइव लॉन्च की थी नो के अंदर इसमें पांच हजार पुलिस ऑफिसर्स ने रेड किया था गांव के ऊपर जहां जहां हॉटस्पॉट्स मिले थे उसमें से एक आदमी को लोगों ने अरेस्ट किया था और छब्बीस हजार केसेस को हम लोगों ने वर्कआउट किया कंट्री जो है हम लोगों ने उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया है जिसमें कि साइबर क्लिवल्स क्या मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करते हैं और वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो हम लोगों ने मोबाइल को टारगेट करके एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसपे कि अगर कोई नंबर से साइबर क्राइम होता है किसी को कॉल करता है तो जैसे ही पुलिस आ, एस sp अधिकारी हमें रिपोर्ट करता है उस पोर्टल के ऊपर वो चौबीस घंटे में नंबर ब्लॉक हो जाता है तो हम लोगों ने दो महीने में एक लाख तीस हजार मोबाइल नंबर ब्लॉक किए हैं और इसके अलावा एक और पोर्टल लॉन्च किया क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक जगह से बैठ के पूरे देश में अपराध करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जब वो अरेस्ट होते हैं उनके डिजिटल डाटा के बेसिस पे लिंकेज बनाते हैं लिंकेजेस बना के उनके केसेस कहा किस किस राज्य में रजिस्टर हुए हैं एनसीआरपी में कितनी कंप्लेंट्स हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं उसका एनालिसिस करके राज्य पुलिस को देते हैं हमने नोटिस किया है कि एक एक अपराध जो गैंग पकड़ा जाता है उसके अगेंस्ट में केसेस रिपोर्ट हुए हैं अगर एक आदमी गैंग के अगर सात हजार केसेस में रिपोर्टिंग हुई है तो उनको जवान रहने में दिक्कत होती है इसमें तो एक ये डेटरेंट इफेक्ट आया है एक मोबाइल ब्लॉकिंग और एक एक साहब ने बताया कि जैसे अप्लीकेशन ब्लॉक होती है इससे भी बहुत ज़्यादा असर आता है चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रखेंगे स्वागत तो है आपका ब्रेक के बाद चर्चा साइबर सिक्योरिटी पर जारी है। experiences to टू शेयर इफ दे आर अवेयर ऑफ साइबर क्राइम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे या आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं Is taking that? Thank you. Uh, ये है. Uh, जैसे मैंने बताया की गृह मंत्रालय में माननीय गृह मंत्री जी uh, काफी इस, इन सब चीजों का संगदर्शन समय समय पर करते रहते हैं तो उसमें से एक जो हम लोग को दिशा आदेश मिले हैं वो है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसा आपने कहा कि ए के दो रूप हैं एक पॉजिटिव साइड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक उसका नेगेटिव साइड में किया सकता है तो जितनी भी इमरजेंट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि मेटावर्स से रिलेटेड आप आगे समय में आगे देखेंगे एन से रिलेटेड नॉन फनजेबल टोकन से रिलेटेड देखेंगे ये जितनी भी इमरजेंट टेक्नोलॉजीज हैं इस सब को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जैसा कि माननीय प्रधान प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमको डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे रहना वी शुड फोकस मोर ऑन दी डिजिटलाइजेशन तो हम इसका पॉजिटिव फायदा उठाएं प्लस साथ में क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी कर सकते हैं तो सबसे पहला जो कदम इसमें है कि इन टेक्नोलॉजीज को हम लोग संज्ञान में लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसका मिस कैसे किया जा सकता है हमारे जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के अधिकारी हैं जो सभी स्टेट्स और ड्यूटीज़ में हैं हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उन सब की हम समय समय पर ट्रेनिंग कराते रहते हैं जैसे कि माथुर साहब ने भी कहा कि हमारा एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और एक फिजिकल ट्रेनिंग भी है तो उस सबके हम बता सकते हम बताते रहते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमें सावधानी बरतनी है साथ साथ में हम लोगों का सोशल मीडिया हैंडल है गृह मंत्रालय का सोशल मीडिया हैंडल है साइबर दोस्त नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल है जिसमें हम लोग बहुत सारी साइबर सेफ्टी टिप्स समय समय पे सिटीजन्स को बताते रहते हैं कि आप ये चीजें की सावधानी बरतें सो so दैट आप अच्छा यू, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का और नेगेटिव साइड को हम कितना से कितना कंटेन कर सकते हैं नमस्कार मेरा नाम मनिकेत त्रिपाठी है मैं नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में अभ्यास कर रहा हूँ मेरा सवाल यह है कि बिटकॉइन या फिर काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि ब्लैक मनी या फिर कह लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जिनका बहुत ही बड़ा भाग होता है जब हम बात करते हैं तो क्योंकि जी ट्वेंटी समिट अब की बार इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर हो रहा है तो हम सारी कंट्रीज मिल कर के इसके बारे में क्या संज्ञान ले सकते हैं या फिर उसके ऊपर क्या डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं आ, हमारी ट्रेनिंग्स कंसिस्टेंटली जारी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर पुलिस ऑफिसर्स की हम समय समय पर हर शुक्रवार को पीयर टू पीयर लर्निंग सेशन कराते हैं एक्सपर्ट्स का जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेनिंग के बारे में और उनकी केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ टूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने प्रोक्योर करने के लिए इस बैंक काम चल रहा है हम लोगों का और काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन हम कर चुके हैं और सभी एजेंसीज मॉनिटर करती हैं जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइम्स हो गया फिशिंग क्राइम्स हो गया और अदर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम्स हो गया जो ब्लैक मनी से रिलेटेड है वो इनकम टैक्स डील करता है और क्रिप्टो करेंसी क्राइम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पुलिस डील करती है सभी एजेंसी सजग हैं सब के पास अपने अपना अपना सक्षम टूल्स है सब इस पे करते हैं और, करते, क्रिप्टो को, और बड़े अच्छे से हम लोग इसको चाइल्ड प्रोनोग्राफी और वुमेन सेफ्टी भी टॉपिक है इससे रिलेटेड किसी वॉल्टियर का सवाल है आपका जी गुड इवनिंग सर मैं नेम भी संकेत मेवाडा आई एम परसुंग माई एम एस सी डिजिटल फॉरेंसिक्स इमेशन सिक्योरिटी फ्रॉम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर Uh, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है लाइक like, uh, जैसे ही साइबर स्पेस इवॉल्व हो रहा है एंड uh, जैसे कोविड की सिचुएशन के बाद से सो so, uh, जो टीन है काफी सोशल मीडिया पे इवॉल्व हो चुके हैं सो एंड काफी सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं एंड दे कैन नॉट गिव मच अटेंशन टू यर किड्स सो पीछे कैटेकर्स होते हैं सो so, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती की uh, गेजेट कैसे यूज करते हैं एंड ज्यादातर वो लो लोग विक्टिम हो जाते हैं अन वेड कंटेंट एंड ये सब के सो so, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा गाइडलाइंस उनको भी दें कि कैसे सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रॉपर वे में यूज़ करें क्योंकि लीगल एंड इलीगल बोथ द है सो so, प्लीज़ आप थोड़ा उनको प्रकाश डालिए तो, तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने बहुत जरूरी है कि बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताया जाए स्कूल उस स्कूल में ही बताया जाए और उनके पेरेंट्स और जो भी उनके आसपास के लोग हैं वो भी उनको जागरूक करेंगे क्या क्या उनको कदम लेने चाहिए जिससे कि वो सेफ रहे तो इसके लिए हमने जो साइट ट्रेन नामक एक पोर्टल बनाया उसमें भी साइबर अवेयरनेस के बारे में एक एक कंटेंट है जो सिटीजन्स के लिए भी है ऐसे साइट ट्रेन पोर्टल तो पुलिस ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स के लिए है लेकिन साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में भी उसमें एक आ, एक जो है एक एक मॉड्यूल है जिससे कि कोई भी सिटीजन उसमें जाके क्या क्या उसको स्टेप्स देने चाहिए साइबर आ, क्राइम से बचने के लिए वो उसमें सब डिटेलिंग करा गया है उसके अलावा जैसे साइबर दोस्त के बारे में बताया मॉन्चु जी ने वो उस पर टेप साथ भी रहती है डेली कि क्या-क्या आपको कदम उठाने चाहिए और बच्चों को डेफिनेटली इस बारे में बताना चाहिए कि उनको क्या-क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो इन सब चीजों से बचे रहे ऑलराइट विद दिस वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक आवर डिस्कशन कंटिन्यूज प्लीज डोंट गो अवे Right? Uh, uh, प्रधानमंत्री जी और uh, गृह मंत्री जी के लीडरशिप में uh, चूंकि भारत में जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी है ये uh, डिसाइड किया गया कि एक जी ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर एंड सिक्योरिटी इन, इन द एज ऑफ ए आई एन एफ टी इन मेटावर्स हम लोगों ने uh, गृह मंत्रालय ने इसको uh, करने को जा रहे हैं तेरह और चौदह जुलाई को ये दो दिन की एक कॉन्फ्रेंस uh, है जिसमें कंट्रीज, कंट्रीज नौ हैं और इंटरनेशनल बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरपोल, यू एन ओडीसी और अन्य कंट्रीज uh, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी uh, भारत से बहुत सारे सेक्टर्स से इसमें फिनटेक बैंक आईसी कंपनीज भारत के सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज भारत सरकार के मंत्रालय सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये दो दिन की बहुत डिटेल मंथन वाली कॉन्फ्रेंस है इसमें छह टेक्निकल सेशंस हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स जैसे की डार्कनेट डी पी आई एक्सेट्रा पे डिस्कशन किया जाएगा आ, काफी प्रोमनेंट स्पीकर्स इसमें आ रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी सेशन में चीफ गेस्ट के रूप में तेरह जुलाई को आएंगे और चौदह जुलाई को शाम को इसका वेलिडिटी सेशन होगा

जो एक कंट्री के जुडिशन में नहीं बन है वो जुडिशन लेस है इनकी सर्विस प्रोडक्ट्स और पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड सेटल्ड होती है आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है और जी ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस जो है इसी परपज के लिए एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम कंट्रीज के साथ मिलकर कॉर्डिनेशन और उसका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और अदर टेक्नोलॉजीज को शेयर कर सके बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर सके और इसको डील कर सके जो इसमें क्राइम होने वाला है माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट वॉज डेवलप्ड टू असिस्ट ह्यूमन बींग्स इन परफॉर्मिंग सर्टन जॉब्स एंड नाउ इट हैज गेन द केपेबिलिटी दैट इट कैन रिप्लेस ह्यूमन बींग्स टू सर्टन एक्सटेंट एंड सो वन साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज दैट क्रिमिनल्स माइट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट नेगेटिवली टू कंडक्ट साइबर क्राइम my question is not related to that my question is that artificial intelligence per se by itself it uh, elon musk also like for example these people have warned that artificial intelligence is growing because uh, the more data it uh, is fed into the system the more users artificial intelligence uh, its bubble keeps getting bigger it gets advanced with time so in the absence of regulation related to artificial intelligence how can the system by itself, overpower humans, and is the situation possible that by 10 or 12 years from now, artificial intelligence would be controlling humans and uh, conducting uh, like nefarious activities in their sphere? This uh, chat GPT has come now, uh, but uh, I believe uh, this is too uh, early to say that you know artificial intelligence will start controlling human beings. You know, artificial intelligence develops on models. The training you give to the artificial intelligence engine, the output depends on that. So, uh, you know, uh, uh, the kind of results you get, it depends on the input you provide. So, it's a very simple thing in computer, garbage in, garbage out. If you enter some incorrect data or incomplete data, it will give you incorrect output. So, artificial intelligence controlling human beings in 10 20 years, is a little far-fetched in my opinion and we are working i mean we are also working how ai can be used for improving investigation skills of the investigators how ai can help in uh, uh, identifying the hot spots or the crime pattern or help the investigating officer in detecting crime so we are working on that so currently police and other security agency will also develop their skills in handling this so I don't think uh, this is a very real uh, threat right now. So as you said, that artificial intelligence is designed uh, is like it's a program which is designed and accordingly it responds and performs its activities. But as I mentioned before, sir, that like if a designer launches a program and the program is now existing, the more users which en enroll and engage with the program, the program by itself keeps getting bigger. So. And artificial intelligence is not just li uh, limited to chat GPT. Today, it can create pictures and uh, all sorts of uh, things. So there are uh, issues of copyrights, intellectual properties and other things also involved. So my fear is that artificial intelligence should not grow to such a point that we become a slave to it and we are uh, caught in a situation off guard, uh, helpless, where we are not able to tackle the problem. Ten to twelve years from now, and a regulation of it is the dire need of the hour, which is absent at this point of time. Now I got your point, but uh, we are preparing our investigators and the forensic experts to handle this growing cyber crime investigation. And uh, you know, I mentioned about the cyber crime uh, uh, cyber crime training center run by NCRB or Sci train portal, which train prosecutors and uh, investigators and ex uh, forensic experts to handle the cyber crime investigation. So, we are also updating our modules as and when new cyber crime modus operandi emerges, we also uh, develop techniques to counter it. Though so, NCI conducts cyber crime conferences every year, we conduct cyber hackathons where cyber crime investigators across the country, they present their best cyber crime investigation case studies. And based on those case studies, we update our course content every time. This is a regular process. So, as and when these uh, issues, like you mentioned about the artificial intelligence-based uh, uh, cyber crimes, we will also update uh, our uh, investigation skills and counter that in India. Right. Uh, Prime Minister Narendra Modi himself said that cyber security is not limited to a digital world, but it's a matter of national security also.

So, हमारे काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें हम लोग समय समय पे साइबर सेफ्टी टिप्स देते रहते हैं एक और पहल गृह मंत्रालय ने करी है आ, साइबर जागरूकता दिवस नाम से तो जिसमें हमने सभी आ, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज सारे भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं सबको गुजारिश ये करी थी लगभग डेढ़ साल पहले कि आप लोग फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ में साइबर जागरूकता दिवस मनाएं तो 11 बजे के आसपास आप साइबर जागरूकता दिवस फर्स्ट वेडनेसडे को मनाया जिसमें साइबर हाइजीन और साइबर सेफ्टी टिप्स को प्रॉबोगेट करें मैं गुजारिश सभी वाई फैक्टर और बाकी सारे जितने भी यूथ हैं इसमें जुड़े हुए हैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि एक और साइबर वॉलेंटियर फ्रेमवर्क नाम से एक हमारा और एक पहल है गृह मंत्रालय का जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सिटीजन्स को साइबर वॉलेंटियर के रूप में अपने आप को एनरोल करें और वो जब एनरोल करते हैं तो वो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को मदद करते हैं

में, दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एक तो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सभी पुलिस स्टेशन है कंट्री मोर देन थाउजेंड प्लस पुलिस स्टेशन वो सभी पुलिस स्टेशन इस सिस्टम से जुड़ गए जिससे कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट क्राइम एंड क्रिमिनल कैन बी शेयर विथ ईच अदर टू ट्रैक द क्रिमिनल एंड डिटेक्ट एंड प्रिवेंट क्राइम्स दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना गृह मंत्रालय ने ध्यान करी जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिसमें कि देश के सभी जिलों में इक्विपमेंट दिए गए टू करेक्ट द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड पर्सन उनका एक डेटाबेस बनाया नेशनल लेवल पे सर्चेबल फिंगरप्रिंट uh, डेटाबेस बनाया जिससे कि जो आइडेंटिफाइड uh, uh, जो रिकवर्ड पर्सन है जो सस्पेक्टेड पर्सन है जो क्राइम में जिन जिन जिनको पुलिस को शक है कि वो क्राइम में इन्वॉल्व है या किसी uh, मौका वादा से फिंगरप्रिंट्स मिले हुए हैं उनको अगर आपको पहचानना है तो वो उस सिस्टम के द्वारा सर्च करके पता लगाया जा सकता है कि ये ए, किसी उसी क्रिमिनल के तो नहीं है जो पहले भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है और कई बार ऐसा होता है कि एक क्रिमिनल दिल्ली का है वो किसी दूसरे राज्यों में ऑपरेट कर रहा है या साउथ में जो क्रिमिनल है वो नॉर्थ के स्टेट्स में क्राइम कर रहा है इंटर स्टेट क्राइम जो होता है उसको पहचानने में बड़ी मदद मिली है इस सिस्टम से नौना ही परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं है जो कि माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वित हो रही है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आपने बात की गवर्नमेंट अपना काम कर रही है हमें अपना काम करना है और जो जैसा आपने कहा हमारे गेस्ट ने भी कहा कि क्राइम को रिपोर्ट जरूर करें हेल्पलाइन नंबर्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स इसके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं आंकड़े बड़े हैं लेकिन इन आंकड़ों को हमें और आगे लेके जाना है और हमें साइबर क्राइम को खत्म करना है क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए आ, मिस्टर माथुर बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए मिस्टर बिरमानी मिस्टर हिमांशु पांडे बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए ऐसे uh, में जितेंद्र सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और सभी वॉलेंटियर्स का भी आपने काफी दिलचस्प सवाल पूछे और उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा more news फॉर मोर